मंच के माध्यम से आप सब छात्र युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी हमारे प्रदेश का और इस देश का भविष्य है, और आप जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें, दिन रात परिश्रम करें, और जब कभी भी हम सबके सहयोग की आवश्यकता हो तो हम सब लोग आपके बीच में रहेंगे। मुझे याद है जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, 2015 में छात्र संघ के उद्घाटन में मुझे आने का अवसर मिला था। आदरणीय राजेंद्र यादव जी और भवर साहब उस कार्यक्रम में अतिथि थे। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज यहाँ के आसपास के इलाके का सबसे बड़ा छात्रों का कॉलेज है, जहाँ एक बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण प्रदेश के छात्र जो है पढ़ाई के लिए आते हैं। आज इस मंच के सामने हमारे कलाकार साथी भी विराजमान है, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करूंगा कि आप सबका मनोरंजन करने का काम वो करेंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि आप भाषणबाजी सुनने के मूड में बहुत कम हो, तो मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा आपका, बस कुछ चंद बातें आपके बीच में रखूंगा जो कि छात्रों से जुड़ी है और छात्र राजनीति से जुड़ी है। साथियों, लंबे समय तक हमने राजस्थान में छात्र आंदोलन किए, छात्रों के लिए सक्रियता से सड़क से लेकर विधानसभा तक, जब हमारे विपरीत में सरकारें थी उस दौर में भी, मेरे साथी अनिल चोपड़ा जी भी यहाँ बैठे हैं, ललित यादव जी भी बैठे हैं, हमने राजस्थान के छात्र की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। आप सबने देखा कि जब राजस्थान की छात्र शक्ति जो हमारे गांव और किसान खेत धानी से निकल के जो छात्र नौजवान आते हैं और वो पढ़ाई के लिए जिलों में कहीं ना कहीं तैयारियां करते रहते हैं, तो उनको बहुत सी समस्याएं आती है। हम आपके लिए नए नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने संघर्ष किया राजस्थान के छात्रों के लिए, युवाओं की लड़ाई हमेशा लड़ी है और आज भी आपके बीच में है, आगे भी आपके बीच में रहेंगे, क्योंकि ये जो पहचान है ये आप सब छात्र शक्ति की देन है। और मुझे गर्व है कि जहां भी हम जाते हैं छात्र संघ के इन कार्यक्रमों में, तो हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथी, जिनकी वजह से आज हम पूरे राजस्थान में जाने पहचाने जाते हैं, उनके बीच में जाने का मौका मिलता है, उनका उत्साह वर्धन करने का अवसर प्राप्त होता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी साथी सक्रियता से अपनी बात को रखना चाहे, अपनी आवाज को उठाना चाहे, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो लगातार जो है अपनी बात को रखें, और जहां जहां छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास होता है, भले ही आज हमारी खुद की सरकार है, लेकिन अगर छात्र और नौजवान की बात कहीं आती है तो हम सबसे पहले आपके बीच में खड़े रहते हैं, ये आप सबने देखा होगा। अभी मैं आपके बीच में एक बहुत जरूरी चीज साझा कर रहा हूं। राजस्थान में जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको जो अपनी पढ़ाई करते हैं उसके लिए कोचिंग भी करनी पड़ती है, बाहर कमरे का किराया भी देना पड़ता है, और भी उनके कई खर्चे हो जाते हैं, आर्थिक भार उन पे आ जाता है। इस बार जो बजट आया है उसमें हम सबने मिलकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था प्री बजट बैठक में कि राजस्थान के बेरोजगारों को जो भर्तियों के लिए जो शुल्क देना पड़ता है, बार बार फॉर्म भरने के बाद में जो शुल्क जमा होता है, उससे राहत दी जाए। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान के हमारे बेरोजगार साथियों के लिए जो फार्म भरने की व्यवस्था है वो निःशुल्क कर दी अभी इस बजट में, जिससे बहुत बड़ा फायदा राजस्थान के बेरोजगार नौजवान साथियों को मिलेगा, और 1,00,000 नई नौकरियों की घोषणा भी उसके साथ में कर दी। तो मैं समझता हूँ कि जो साथी हमारे प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं नौकरी में और
अपना भविष्य देखते हैं, उन सबके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी घोषणा थी। मैं खेलों से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो जो जिम्मेदारियां हमारे खेलों के जगत में दी हुई है उसमें भी हमारा प्रयास होता है कि जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं हैं उनको मान और सम्मान मिलो, प्रशिक्षण मिलो और वो हमारे देश के लिए मेडल जीत कर आए। इस तरह की मेहनत हम उनसे कराएं, इस तरह से उनकी तैयारी करवाएं और जिस तरह का काम खेलों के लिए राजस्थान की सरकार ने किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है खेल जगत में, राजस्थान वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान पूरे देश में एक नंबर होगा खेलों के जगत में। आज हमारे यहाँ आउट ऑफ टर्न के फैसले हो रहे हैं जिसमें DYSP स्तर की नौकरियां जो है राजस्थान की सरकार हमारे खिलाड़ियों को मेडल विजेता खिलाड़ियों को दे रही है। तो मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच से हमारे युवा साथियों को, हमारी ग्रामीण प्रतिभाओं को, उससे जुड़े अपना भविष्य खेलों में देखें। आप सिर्फ मेहनत करने का काम करें खेलों में, आपको नौकरी देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहूंगा। आज इस मंच से मेरे सामने जो युवा करुणाई बैठी है उनके लिए कुछ तन पंक्तियां मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि खोल दे पंख मेरा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझिए, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझिए नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान अभी बाकी है। तो मेरे नौजवान साथियों, आप सब हमारे प्रदेश का भविष्य हो, हमारे देश का भविष्य हो, और कि आप लोगों की आवाज को ना कभी दबने दी है और ना कभी दबने देंगे। पहले जब हम विपक्ष में थे हमारी सरकार नहीं थी, उस दौर में भाई अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद में मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता के आप सबने हम सबको ये नेतृत्व दिया था कि राजस्थान के छात्रों की आवाज हम उठाते रहे। आज भी हम आपके बीच में, आप देखते हो कि राजस्थान के कोने कोने में जहाँ कहीं भी हमारी छात्र शक्ति है उसके लिए हमारी सरकार के समक्ष जो है उनके हक और अधिकार की बात हम करते रहते हैं। तो हम पीछे नहीं हटने वाले। आप सब दोस्तों से कहना चाहूंगा कि इसी तरह आप मेहनत करते रहे, पूरी लगन निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहे और आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप निरंतर परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं हुआ करते। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस प्रदेश का भविष्य है और आप जो है जम के मेहनत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। आज हमारे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, जब राजस्थान के छात्र नौजवान की आवाज दबाई गई थी हमारी सरकार नहीं थी, आज भी 18 मुकदमे मेरे राजस्थान में चल रहे हैं सिर्फ छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए। छात्र आंदोलन के मुकदमे हमारे कोई चोरी डकैती के मुकदमे नहीं है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ऐसे मुकदमे जो दुर्भावना बस हम पे लगाए गए एक संगठन विशेष को टारगेट करके, उन मुकदमों को कम से कम हमारे साथियों के जो छात्र संगठनों से जुड़े थे जिन्होंने छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया था, उन मुकदमों को कम से कम सरकार जो है हटवाए उनसे। क्योंकि ना तो हमारा पासपोर्ट बन रहा है और ना हम विदेश जा सकते, आगे की कई समस्याएं होती है। आप सरकार में गृह राज्य मंत्री है, मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी छात्रों की आवाज उठाते हैं उनके मुकदमे हटने चाहिए। मेरे दो साथी और मंच पे बैठे हैं, दोनों छात्र संघ के नेता हैं, भाई अनिल चोपड़ा जी, उनके भी कई मुकदमे मेरे साथ हैं। ललित यादव जी मंच पे बैठे हैं, लंबा संघर्ष इन्होंने छात्र राजनीति में किया है, इनके भी कई मुकदमे चल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मंत्री जी की मुस्कान ये बता रही है कि निश्चित रूप से हमारे जो ये दुर्भावना पूर्वक जो मुकदमे लगे थे वो वापस आएंगे। राजस्थान की जो छात्र शक्ति की आवाज है
वो हमेशा बुलंद होगी, ऐसा हम सबको भरोसा है। मैं मंच का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब साथियों से एक और बात, एक जरूरी बात और कहना चाहूंगा कि साथियों, मैं अभी राजस्थान में युवा कांग्रेस का सदस्यता का अभियान चल रहा है, मैं आप सबको इस मंच से आमंत्रित करता हूं कि राजस्थान में जो युवा कांग्रेस का सदस्यता का अभियान चल रहा है उसमें आप सभी लोग जुड़े, ऐसे संगठन से जुड़े जिसने जब आपदा का समय था आपने देखा कोरोना काल में युवा कांग्रेस के साथियों ने पूरे देश भर में समाज के हर वर्ग की, समाज के हर तबके की मदद करने का काम किया, मजदूर की, किसान की, हमारे छोटे दुकानदार की, हमारे नौजवान की, बेरोजगार की, हर समाज के वर्ग की पीड़ा की मदद करने का उन्होंने काम किया। चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हुई हो तो वो समय पे पहुंचाने का काम किया। तो जो कोरोना का काल था उसमें जिस तरह युवा कांग्रेस के साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसी कड़ी में मैं आप सबसे अपील करूंगा कि यूथ कांग्रेस के सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और ये संदेश दे राजस्थान में कि हमारे यहाँ का छात्र और नौजवान जो है जागरूक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह राजस्थान की छात्र शक्ति और युवा शक्ति ने मुझे इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया था, उसी तरीके से इस युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में आप सबका भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलेगा। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं का नेतृत्व करने का अवसर मुझे आप सब साथी देंगे तो हम एक मजबूत लड़ाई जो है राजस्थान के युवाओं के लिए भविष्य में लड़ पाएंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में मैं, क्योंकि आप सब इंतजार कर रहे हैं कि सारे साथी जो है आज ये गायक कलाकार हमारे आए हैं उनकी प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे, मैं आप सब साथियों का पुनः धन्यवाद करूंगा और आप सबसे कहूंगा कि एकजुट होकर और आप जो है अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए मेहनत करें, काम करें, आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे। आपने यहाँ बुलाकर विशेष रूप से हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष भाई अतुल खारेड़िया जी और इनकी पूरी कमेटी छोटी बहन दीपिका जी, इन्होंने यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भाई विजय आर्य जी, भाई संदीप जी और इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो है आपने हमें बुलाया और छात्र संघ के सभी नेताओं को और हमारे माननीय मंत्री जी के सानिध्य में यह आपके बीच में आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बस चंद लाइनें स्वामी विवेकानंद जी की मुझे याद आ रही थी जो युवाओं को समर्पित है, वो मैं कहना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि खोल दी है मुट्ठी खुशबुओं ने हवाओं, अब तुम्हारी बारी है, खोल दी है मुट्ठी खुशबुओं ने हवाओं, अब तुम्हारी बारी है, उठो जागो और बदल दो ये दुनिया।